स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोयम एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, और इसकी राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। ये पोयम क्लास 10 में है, सीबीएसई बोर्ड में। इसमें टाइगर के बारे में बताया गया है कि टाइगर का क्रियाकलाप कैसा होता है, और दो तरह के टाइगर्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, और दूसरा टाइगर जो जंगल में होता है। तो दोनों की गतिविधियाँ कैसी होती हैं इस पोयम में बताया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही यहाँ पे टाइगर के लिए यूज किया गया है, वह या टाइगर या बाघ अपने गहरे रंगों में, गहरे रंग की धारियों के साथ, बाघ के शरीर पे गहरे रंग की धारियां होती हैं, तो वह बाघ अपने गहरे रंग की धारियों में पिजड़े में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स का मतलब उसके पंजे से है, तो यहाँ पे इसका पंजा गद्देदार मखमली बताया गया है। तो अपने मखमली पंजे पर, गद्देदार पंजे पर शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत होता है और रेज का मतलब होता है प्रचंड क्रोध। तो अपने शांत या सुसुप्त प्रचंड क्रोध के साथ। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस ने, कवित्री ने बताया है एक बाघ के बारे में जो चिड़ियाघर में है। एक बाघ अपने गहरे रंग की धारियों के साथ चलता है पेड़ के अंदर कुछ कदम ही, अपने मखमली पंजों पर शांति से और सुसुप्त क्रोध में। सुसुप्त क्रोध में मतलब है कि क्रोध तो उसके अंदर भरा पड़ा है पर दिखा नहीं पाता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। उसे पेड़ की छाया में शिकार पे झपटने की इंतजार में होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में उसे सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, जल स्रोत के पास, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पे मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं, क्योंकि टाइगर का जो पसंदीदा डिश होता है वो हिरण ही है, डियर ही है। तो कवित्री कह रही है कि उसे छांव में, पेड़ की छांव में शिकार पे झपटने के इंतजार में होना चाहिए, लंबी घासों के बीच उसे सरकना चाहिए, और उसे होना चाहिए जल स्रोतों के पास जहाँ से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। उसे या बाघ को होना चाहिए उन घरों के पास जो जंगल के किनारे पे होते हैं, जंगल के पास के जो घर होते हैं उनके पास होना चाहिए, और उनके आसपास गुर्राते हुए घूमना चाहिए। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, और गांव में
आतंक फैलाते हुए। बाघ को होना चाहिए घरों के पास बुलाते हुए, किन घरों के पास, जो घर जंगल के किनारे पे होते हैं, जंगल के नज़दीकी गांव के घर, और वहां पे बाघ को अपने सफ़ेद दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए और गांव को या गांव वासियों को आतंकित करना चाहिए, क्योंकि यह बाघ का स्वभाव है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वह या बाघ कंक्रीट सेल में गिट्टी सीमेंट बालू और सरिया से बनाया जाता है कंक्रीट, तो इस कंक्रीट के सेल में या कंक्रीट की कोठरी में कैदी है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह चल फिर पाता है अपने पिजड़े के लंबाई के अनुसार, जितना उसके पिजड़े की लंबाई है उतना ही वह चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर हैं, जो दर्शक हैं, जो आगंतुक हैं, उनको न देखते हुए, उनको इग्नोर करते हुए। ही हियर्स द लास्ट वॉयस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात में आखिरी आवाज़ को सुनता है। आखिरी आवाज़ किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाने वाली कार हैं उनकी। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी तेज चमकीली आँखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। वह या बाघ जो पिंजड़े में है, वह रात में आखिरी आवाज़ को सुनता है। वह आखिरी आवाज़ जो गश्त लगाने वाली कारों की होती हैं, और वह अपनी तेज चमकती हुई आँखों से चमकते हुए सितारों को घूरता है या देखता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पर कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।